बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहाल है इसका हिसाब हमें आपको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार में आए दिन ऐसी लापरवाही होती रहती है जो हमें हमारे कमजोर प्रशासन की व्यवस्था का एहसास दिला देती है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में चीटिंग के किस्से तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन आजकल सरकारी नौकरियों की परीक्षा में फर्जीवाड़ा के मामले भी बहुत आम हो गए हैं, जहां अभ्यर्थी अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ लाख रुपए दे देते हैं। सिपाही पद के लिए हो रही परीक्षा में भी लोग चोरी करने के अलग अलग तरीके ढूंढ ले रहे हैं और बीते कुछ वक्त से लगातार फ्रॉड करने वाले अभ्यर्थी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे ही गिरफ्तारी की एक खबर आज फिर से सामने आई है। इन दिनों पटना में बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है और हर रोज फ्रॉड के लिए कम से कम 25 से 30 कैंडिडेट्स पकड़े जा रहे हैं। अब तक फ्रॉड के लिए हिरासत में लिए गए कुल कैंडिडेट्स की संख्या 300 से ज्यादा हो चुकी है। इस सिपाही परीक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय चयन परिषद CSBC के ऊपर है। CSBC ने यह आरोप लगाया है कि पकड़े गए इन अभ्यर्थियों ने रिटन एग्जाम में अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया था। आपको बता दें कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में शामिल होने वाले ये आरोपित डॉक्यूमेंट की जांच के दौरान पकड़े गए। कागजों की जांच के दौरान ना तो इन कैंडिडेट्स की तस्वीरें मिली और ना ही बायोमेट्रिक अंगूठों के निशान मिले। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को 2 से 5 लाख रुपए प्रति पोस्ट दिए गए थे। केंद्रीय चयन परिषद की कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कुछ दिन पहले ही खत्म हुए हैं। इस भर्ती के लिए 14 और 21 मार्च को परीक्षा होना प्रस्तावित है। आपको बता दें कि 8,415 पदों पर बहाली के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। इनमें 3,489 वैकेंसी सामान्य वर्ग, 1,470 वैकेंसी सामान्य वर्ग EBC, SC के लिए 1,307, OBC के लिए 980, EVS के लिए 842, BC के लिए 245 और 82 भर्ती ST के लिए है। इस भर्ती के लिए 13 नवंबर को आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। 12वीं यानी इंटर पास उम्मीदवार ही बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि CSBC ये दावा कर रही है कि फर्जीवाड़ा करके कोई स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। मगर फिर भी ये सोचने वाली बात है कि इतने कैंडिडेट्स अब तक ऐसे फ्रॉड कैसे कर पाए हैं, और अभी तो शायद ऐसी बहुत सी और गिरफ्तारियां होना बाकी है। वैसे केवल सिपाही भर्ती में ही नहीं, बल्कि हर साल अलग अलग कैटेगरी की परीक्षाओं में इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसमें कैंडिडेट्स रिटन परीक्षा में अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं, जिससे कई सारे मेधावी विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग जाता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पैसे के दम पर सरकारी नौकरियां ना खरीदी जा सके। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो जानकारी दिखाई दे रही है, आप उसकी मदद से हमारी टीम तक डोनेशन के रूप में अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्य राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।